हिंद महासागर से होकर के गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट, जहां दुनिया का 70% एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार इसी एरिया से होकर के जाता है। यानी दुनिया के 70% जहाज भारत के दो आइलैंड अंडमान और निकोबार के बीच में से होकर के गुजरते हैं। ऐसे में अगर भारत ने इस एरिया में नाकाबंदी कर दी तो चीन जैसे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ ही महीने में भारत धराशायी कर सकता है। तो अब ये बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर भारत इस एरिया में अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना करके यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं कर रहा, ताकि चीन जैसा देश अगर हम पे कभी हमला करे तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके उसे उसके घुटनों पर ले आए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। यूरोप को एशिया से दो ट्रेड रूट्स जोड़ते हैं, पहला है स्वेज रूट और दूसरा है केप रूट। स्वेज रूट में शिप्स जो वेस्टर्न यूरोप से निकलती हैं वो स्वेज कैनल यानी इजिप्ट के पास से होते हुए भारत के पास पहुंचती हैं और फिर मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चीन और जापान जैसे देशों तक पहुंचती हैं। दूसरा रूट है केप रूट। इस रूट में जो शिप्स यूरोप से निकलती हैं वो स्वेज कैनल में नहीं एंटर करती हैं, बल्कि वो नीचे अफ्रीका के साउथ में चले जाती हैं और पहुंच जाती है अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पार्ट यानी केप ऑफ गुड होप में, जो साउथ अफ्रीका में मौजूद है। यहाँ से वो सीधे भारत तक पहुँचती हैं, जहाँ से वो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए सीधे चीन और जापान तक पहुँच जाती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कोई भी शिप्स हो, वो चाहे फिर मिडिल ईस्ट से आ रही हो, यूरोप से आ रही हो या फिर अमेरिका से आ रही हो, या तो वो केप रूट का इस्तेमाल करती है या वो स्वेज रूट का इस्तेमाल करती है। और अगर वो इन दोनों में से किसी भी रूट का इस्तेमाल करे, उसे मलक्का स्ट्रेट से होकर के ही गुजरना पड़ता है। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। पूरे दुनिया का 70% ट्रेड इसी स्ट्रेट के बीच से होकर के गुजरता है। पूरे दुनिया का लगभग 80% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो भी इसी एरिया से होकर के गुजरता है। हम सब जानते हैं कि पर्शियन गल्फ या फिर कह लें मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं। पूरे दुनिया का 80-90% ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से तेल कहीं भी जाए, चाहे चीन जाए, जापान जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए या फिर अमेरिका जाए, उसे भारत के नीचे से होकर के मलक्का स्ट्रेट से पास होना पड़ता है। यानी एक तरह से आप मान सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट पूरे वर्ल्ड के ऑयल एक्सपोर्ट की नब्स है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये नब्स भारत के नीचे है। भारत जब भी चाहे इस नब्स को दबा करके पूरे दुनिया के ऑयल एक्सपोर्ट को रोक सकता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन एक बहुत बड़े आबादी वाला देश है, इसीलिए चीन दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में या ऑयल कंज्यूमर्स में आता है। और ऐसी रिपोर्ट है कि आने वाले समय में चीन का ऑयल डिपेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज के डेट में चीन का जो 80% तेल है वो इंपोर्ट किया जाता है, और ये सारा का सारा तेल गल्फ ऑफ मलक्का और भारत के नीचे से होते हुए चीन तक पहुंचता है। यानी अगर भारत में इंडियन नेवी को एक इशारा कर दिया जाए और वहाँ पे इंडियन नेवी अपना ब्लॉकेट बना दे, तो चीन के पूरे ऑयल इंपोर्ट को रोका जा सकता है। मान लीजिए फ्यूचर में कभी इंडिया चाइना वॉर छिड़ जाता है और दोनों देश में घमासान युद्ध होने लगता है, तो ऐसे स्थिति में अगर इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना एक बहुत बड़ा नेवी ब्लॉकेट कर दे, जिससे चीन से आने वाली जितनी भी सामानें हैं उन्हें रोक दिया जाए, साथ ही साथ चीन में जितना भी ऑयल जाता है उसे भी रोक दिया जाए, तो ना ही जो ज़रूरी चीन को पावर चाहिए वो चीन तक पहुँचेगा, ना ही चीन से जो बना हुआ सामान है वो दुनिया तक जा पाएगा। यानी चीन की अर्थव्यवस्था पूरे स्टैंड स्टिल पर आ जाएगी। ये युद्ध जितना लंबा चलेगा चीन की अर्थव्यवस्था को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मान लीजिए कि ये युद्ध 2, 3 या 4 साल तक चलता है, तो इतने समय में तो चीन की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी, और जो आज दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है वो हो सकता है दुनिया के कुछ पिछड़े अर्थव्यवस्थाओं में आ जाए। यहाँ मैं टोटल GDP की नहीं बल्कि GDP ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। अगर फिलहाल के डेट में चीन की GDP ग्रोथ रेट 6.5% की है, तो अगर भारत 2, 3 या 4 साल तक चीन का ब्लॉकेट कर देता है, तो चीन की जो ग्रोथ रेट है वो घट करके 1 या 2% तक गिर सकती है। और चीन ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और इसी के लिए वो पिछले कई सालों से तैयारियां शुरू कर चुका है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों का दिखना
या फिर पाकिस्तान और चीन के बीच सीपेक का समझौता होना, इन सब की एक ही वजह है और वो है ये हिंद महासागर से होने वाला ट्रेड। चाइना अपने ट्रेड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो लगातार हिंद महासागर में अपने पनडुब्बियों को भेज रहा है ताकि वो इस एरिया पे अच्छे तरीके से नज़र रख सके और धीरे धीरे इस एरिया में हो सके तो कंट्रोल बना सके, ताकि उसे पता चलता रहे कि उसके ट्रेड रूट में कोई हिंड्रेंस तो नहीं क्रिएट किया जा रहा है किसी भी देश के द्वारा। और पाकिस्तान चीन के बीच सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बनना चीन के लिए एक दूसरा ट्रेड रूट बनने के बराबर है। चीन चाहता है कि मिडिल ईस्ट से जो भी ऑयल चीन के पास पहुंचता है या चीन का जो भी फिनिश्ड गुड यूरोप और एशिया के देशों तक जाता है वो भारत के नीचे से हो करके ना जाए, बल्कि सीधे चीन उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दे अपने लैंड के ज़रिए, और जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है उसका इस्तेमाल करे और भारत से बचते हुए या कह लें भारत को छोड़ते हुए या बाईपास करते हुए वो सीधे ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जैसे कई देशों तक अपने सामान को पहुंचा सके। सीपेक को चाइना बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए कम बल्कि इंपोर्ट के लिए बना रहा है, ताकि जितने भी ऑयल और पेट्रोलियम का सप्लाई है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ज़रिए चीन तक हो सके। पर अपने एक्सपोर्ट्स को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चाइना एक और प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं। इस इनिशिएटिव में चीन चाहता है कि भारत और पाकिस्तान से लेकर के एक ऐसा सिल्क रूट तैयार हो जो चीन से होता हुआ सीधे यूरोप तक पहुंच जाए। इस रूट के ज़रिए हम लैंड पर ही ट्रेन्स के इस्तेमाल से हमारा जितना भी प्रोडक्ट है उसे यूरोप तक भेज सकते हैं या यूरोप से अपना प्रोडक्ट इम्पोर्ट करवा सकते हैं, यानी चीन एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है। ये तो दुनिया को कहने के लिए है, लेकिन इसके पीछे असल वजह यह है कि चीन चाहता है कि वो यूरोप को सदर्न ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करे, जिससे साउथ ईस्टर्न एशिया और यूरोप के बीच जितना भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कारोबार हो वो चीन से हो करके हो। यानी दुनिया के लगभग 80% जो ट्रेड रूट है उसका चीन अपने आप को कंट्रोलर या मिडिलमैन बनाना चाहता है, जैसा पुराने ज़माने में सिल्क रूट के ज़रिए हुआ करता था। इससे इस वक्त वर्ल्ड के ट्रेड पे जो कंट्रोल रखने की क्षमता भारत के ऊपर है उसे भारत से छीन करके चीन अपने हाथों में लेना चाहता है। अगर इतना ज़्यादा इस एरिया में ट्रेड होने लग गया तो चीन इस ट्रेड का कंट्रोलर बन जाएगा, और इसके बाद भारत को सिर्फ पछताना पड़ेगा कि अगर ये सारा ट्रेड इंडियन ओशन से होकर के गुजरता तो इस पूरे ट्रेड का कंट्रोलर भारत होता। इसलिए भारत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में हिस्सा नहीं ले रहा है, और सिर्फ हिस्सा नहीं लेने तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रहा है अलग अलग इंटरनेशनल स्टेजेस पर। अब मैं आपको गल्फ़ ऑफ मलक्का या मलक्कन स्ट्रेट के बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा। मलक्कन स्ट्रेट सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से होकर के गुजरता है। मलक्कन स्ट्रेट भारत के इन्फ्लुएंस में आता है, भारत से ये बहुत करीब है, इसीलिए भारत कभी भी चाहे तो इस एरिया में अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है, क्योंकि इस एरिया में भारत सबसे शक्तिशाली देश है और स्ट्रेटजिकली भी सबसे महत्वपूर्ण देश है। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं जिनके बीच में से ये स्ट्रेट होकर के गुजरता है वो भी चीन से नफरत करते हैं, उनके भी चीन से बहुत ही बुरे संबंध हैं। तो ऐसे में चीन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि ये सारे देश कभी भी भारत के साथ मिल करके इस एरिया में ब्लॉकेट कर सकते हैं। अब मलक्कन स्ट्रेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भारत के अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में से एक 10 डिग्री स्ट्रेट है। ये जो भी नाव मलक्कन स्ट्रेट तक पहुंचते हैं वहां पहुंचने से पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में से होकर के गुजरती हैं। ये एरिया भारत के लिए मलक्कन स्ट्रेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एरिया में दो आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार, और ये दोनों आइलैंड भारत के आइलैंड्स हैं। और दुनिया के इतने सारे शिप्स, कह लें दुनिया का 80% एक्सपोर्ट इन दोनों आइलैंड के बीच के छोटे से एरिया से होकर के गुजरता है, और इस छोटे से एरिया का नाकाबंदी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया को लेकर के भारत फ्यूचर में क्या तैयारियाँ कर रहा है। सबसे पहले भारत का जो ट्राई सर्विस कमांड है उसके हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया है, जो कि अंडमान आइलैंड में मौजूद है। भारत कहता है कि भविष्य में ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच का जो एरिया है इसे ये स्वेज कैनल की तरह डेवलप करे। अभी तक हिंद महासागर एक फ्री ट्रेड एरिया रहा है, इस एरिया से गुजरने वाले कोई भी शिप से किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाता है,
लेकिन अगर भारत एक बार इस अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच के एरिया को स्वेज कैनल जैसा डेवलप कर दे तो यहाँ से गुजरने वाले हर नाव से भारत थोड़ा बहुत टैक्स ले सकता है। इस कदम से भारत को बहुत बड़ी संख्या में कमाई हो सकती है, क्योंकि पूरे दुनिया का 70% ट्रेड यहीं से होकर के गुजरता है। तो यानी हम कह लें तो दुनिया का 70% जो ट्रेड है वो पूरा भारत को एक छोटा सा अमाउंट टैक्स के तौर पे देगा। इससे भारत को जितना आर्थिक फ़ायदा होगा उससे भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा होगा। इस एरिया से होने वाले पूरे ट्रेड पर भारत निगरानी रख सकता है, और अगर कोई भी देश भारत को परेशान करता है तो भारत आसानी से उस देश के शिप्स को उस देश तक पहुंचने से रोक सकता है या इस कैनल से गुजरने की आज़ादी नहीं देगा। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगाना एक इंटरनेशनल क्राइम माना जाता है, और अगर कोई भी देश ऐसा करता है तो दुनिया के बाकी देश उसका बहुत विरोध करते हैं। तो ऐसे में किसी भी देश के ट्रेड को रोकना अच्छा नहीं है, और एक नैतिक देश होने के नाते भारत किसी भी देश के ट्रेड को नहीं रोकेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसा करने का पावर है या इस एरिया में कंट्रोल है तो यही काफ़ी है सामने वाले दुश्मन को ये बताने में कि आपके पास कितनी शक्ति है। आप साइकोलॉजिकली किसी भी देश को पहले ही हरा सकते हैं, क्योंकि अगर वो देश आपके खिलाफ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि भारत हमारे भी ट्रेड को रोक सकता है। तो उसे पहले ये सोचना होगा कि ऐसा करने से या भारत का कोई नुकसान करने से कहीं हमारे ट्रेड को भी नुकसान ना पहुंच जाए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अब बलिदान पे आप जो भी हुडीज़ खरीदते हैं उन पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, यानी आप कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए कोई भी हुडी को मंगा सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि बलिदान इंडिया टॉक्स का एक ऑफिशियल स्टोर है, जहाँ आप मज़ेदार इंडियन आर्मी से जुड़े हुए टी शर्ट्स और हुडीज़ को ख़रीद सकते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंडियन आर्मी से जुड़ा मर्चेंडाइज यानी इंडियन आर्मी ब्लू हुडी अभी भी 1400 रुपये में अवेलेबल है। हमने जो इसका दाम 1600 रुपये से घटा करके 1400 रुपये किया था दिवाली ऑफ़र के तौर पे, उसे हमने इस हफ्ते तक कंटिन्यू किया है। लेकिन ये आखिरी वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपको ये ऑफ़र सुनने में नहीं आएगा। तो आपको ये हुडी 1400 रुपये में जो मिल रहा है वो सिर्फ इसी वीडियो तक मिलने वाला है। तो अगर अब भी आप इंडियन आर्मी ब्लू हुडी ख़रीदना चाहते हैं सिर्फ 1400 रुपये में, तो आपके पास ये वीडियो आखिरी मौका है। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तब तक ये ऑफ़र ख़त्म हो चुका होगा। तो जल्दी से balidanarmy.com पे जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट पे मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करके सीधे बलिदान के वेबसाइट पे पहुँचें और जल्दी से अपने मनपसंद इंडियन आर्मी ब्लू हुडी को सिर्फ 1400 रुपये में ख़रीद लें, और वो भी बिना अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दिए, यानी कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इंडिया टॉक्स पे अगले वीडियो का टॉपिक क्या चाहते हैं? आपको जो भी टॉपिक पसंद है उसे ज़रूर कमेंट पे जा करके लिखें। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है जिसके बारे में किसी ने पहले से लिख दिया है तो उसके कमेंट को लाइक करें। जिस भी टॉपिक पे या जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उन्हें ही हम अगले वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस और आपके लिए बनाएं, तो ज़रूर नीचे जाके उस लाइक बटन पे क्लिक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप उस लाल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।